अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को सलाम। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको इलेक्ट्रिक गीज़र के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक गीज़र है। अगर आपका इलेक्ट्रिक गीज़र जो होता है वो करंट मार रहा है, अगर वो करंट मार रहा है या अर्थिंग कर रहा है या पानी गर्म नहीं कर रहा, तो उसके अंदर क्या मसला आ सकता है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो कि खुद आप भी ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके जो एलिमेंट होता है वो 1500 वाट का होता है और मुख्तलिफ होते हैं, सब गीज़रों के अलग अलग होते हैं। इसका राड, इस राड के अंदर जो होता है मसला, ये राड की है सेटिंग। इससे आप घुमाकर तेज़ और आस्ता कर सकते हैं और ये जो राड है ये इसका स्विच निकल जाता है और उसके बाद जो इसके अंदर बड़ा नेट है इसको खोलेंगे, राड आपका बाहर आ जाएगा। उस राड को आप चेक कीजिए कि राड आपका टूटा हुआ या डैमेज तो नहीं है, इसी वजह से करंट मरता और पानी गर्म नहीं हो पाता। राड खोलने से पहले आप ये पाइप खोल के इसे पानी निकाल लें और पीछे टैंकी वाला जो पानी है अब उसे बंद कर दें। गीज़र में यही बस छोटा सा मसला होता है इसका राड का, और इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं होती इसका। और ये जो राड है आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखे हुए हैं मुकम्मल अम्पेयर और वोल्टेज। इसके ऊपर लिखा हुआ है 2 अम्पेयर से लेकर 15 अम्पेयर तक ये लेता है, मतलब कि ये कम और ज़्यादा जब हम तेज़ करते हैं और आस्ता करते हैं उससे अम्पेयर हमारे कम और ज़्यादा होते हैं। और इसके ऊपर लिखा हुआ है 250 वोल्टेज से लेकर 280 वोल्टेज तक ले सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।